क्वालिटीज़ ऑफ अ सेक्रेटरी, पिछली वीडियो में हमने सेक्रेटरी से रिलेटेड टॉपिक है जो इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन की सेक्रेटरी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, करेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम क्वालिटीज़ ऑफ अ सेक्रेटरी, यानी कि किसी भी पर्सन को सेक्रेटरी बनने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ का होना जरूरी है। फर्स्ट है इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। जो भी पर्सन हम एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे कंपनी का, उसकी पर्सनैलिटी है जो वो इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी का होना चाहिए। यहाँ पर इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी का मीन्स वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से इम्प्रेसिव होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इम्प्रेसिव होगा अगर वो, तो वो पर्सन्स का कॉन्फिडेंस विन करेगा। और कौन पर्सन्स हैं, वो डायरेक्टर्स, मेंबर्स, एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, और एज वेल एज आउटसाइडर्स। तो इनका कॉन्फिडेंस गेन करने में या कोऑपरेशन को गेन करने में हेल्प करेगा अगर उसकी पर्सनैलिटी है जो इम्प्रेसिव है। और इसके साथ साथ उसका इंटेलिजेंट होना, परसुएसिव होना, हार्ड वर्किंग एंड डिसीजन मेकर होना भी जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है साउंड जनरल नॉलेज, यानी कि जो सेक्रेटरी है उसके अंदर साउंड जनरल नॉलेज का होना भी जरूरी है। ये नहीं कि उसके जो क्वालिफिकेशन चाहिए हमें सेक्रेटरी के लिए ओनली वही काफ़ी है, बट जो डे टू डे एक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो जनरल नॉलेज का होना जरूरी होता है, वो नॉलेज भी सेक्रेटरी के अंदर होनी चाहिए उसकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ। और ये जनरल नॉलेज किन किन इशू पे होंगी, जो डे टू डे एक्ट करते हैं हम, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेटेड। और राइट डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए एट राइट टाइम, यानी कि वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके कंपनी के रिगार्डिंग। कमांड ओवर लैंग्वेज, जो सेक्रेटरी है उसकी रीजनल एरिया, जो जिस भी एरिया में कंपनी लोकेटेड है उस एरिया की, वहाँ का जो रीजनल एरिया है वहाँ की लैंग्वेज के ऊपर उसकी कमांड होनी चाहिए, यानी को उसको उस एरिया की लैंग्वेज की फुल नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कंपनी है जो वो साउथ साइड में है, उसका बिजनेस वो साउथ साइड में ही ऑफिस है, वहीं पर प्रोडक्शन कर रही है, वहीं पर सेल कर रही है, बट अगर वो किसी नॉर्थ साइड के पर्सन को अपना सेक्रेटरी बनाती है बट उसको नॉलेज नहीं है साउथ साइड की लैंग्वेज की, तो यहाँ पर कंपनी को लॉस होने के चांसेस है, क्योंकि वहाँ पर जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है उसको उस लोकेशन की, उस एरिया की नॉलेज नहीं है, ना वहाँ की उसको कल्चरल नॉलेज, ना ही लैंग्वेज की नॉलेज है। नॉलेज ऑफ लॉज, तो कंपनी से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं या फिर जितने भी लॉ की ज़रूरत पड़ती है कंपनी में अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उन सब की नॉलेज भी सेक्रेटरी को होना जरूरी है। मस्ट हैव फुल नॉलेज अबाउट दी कंपनी लॉ, कंपनी लॉ की फुल नॉलेज, और जितने भी लॉ रिलेटेड हैं कॉन्ट्रैक्ट से। अब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी करेगी, सेल भी करेगी, परचेज भी करेगी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और इंश्योरेंस और एजेंसी से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं उनकी भी फुल नॉलेज होना सेक्रेटरी को जरूरी है। नॉलेज ऑफ कंपनीज एक्ट, अब कंपनी के रिगार्डिंग जो स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है जिसके अंडर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उस एक्ट की फुल नॉलेज होना, उसके प्रोविजंस की नॉलेज होना, और जो अमेंडमेंट किए जाते हैं कंपनीज एक्ट में टाइम टू टाइम, उनकी भी फुल नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जो सेक्रेटरी है उसको बुक कीपिंग की और अकाउंटिंग की नॉलेज होना जरूरी है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम दी कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये किस में हेल्प करेगा कि वो कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वहाँ से डाटा को कलेक्ट कर सके और उसको प्रेजेंट कर सके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जनरल मीटिंग में, ताकि डिसीजन मेकिंग किया जा सके। नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की और मैनेजमेंट की फुल नॉलेज होना जरूरी है। ही मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, उसका एक्सपर्ट होना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में और मैनेजमेंट करने में, बिकॉज दी अल्टीमेट ओन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी रेस्ट विद कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि ये जो वर्क है ये टोटली सेक्रेटरी के ऊपर ही डिपेंड करता है कंपनी में। नॉलेज अबाउट मीनिंग मीटिंग, नॉलेज अबाउट मीटिंग, तो जो सेक्रेटरी है कंपनी का उसको मीटिंग्स के बारे में, जो कंपनी के अंदर जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनकी भी नॉलेज होना जरूरी है। जो मेन फंक्शन है सेक्रेटरी का वो क्या होता है कि वो कंपनी की मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करता है, शेड्यूल्स को प्रिपेयर करता है, मिनट्स को प्रिपेयर करता है मीटिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पर उसको मीटिंग की फुल नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज मीन्स जो विदेशी लैंग्वेज है, अगर कंपनी का जो बिजनेस है वो फॉरेन कंट्रीज़ में है, ट्रेड रिलेशन कंपनी के फॉरेन कंट्रीज़ में है, तो यहाँ पर सेक्रेटरी का फॉरेन लैंग्वेज का भी होना जरूरी है सेक्रेटरी के लिए। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड हो जाता है कि सेक्रेटरी है उसको नॉलेज हो अदर कंट्रीज़ की लैंग्वेज की, या फिर जिस कंट्री में भी वो ट्रेड कर रहे हैं तो उस कंट्री की लैंग्वेज का होना जरूरी है, ताकि ईजीली कम्युनिकेट किया जा सके।